अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको एक ऐसी चीज़ बताने जा रहा हूँ जो कि मैंने सीरीज़ स्टार्ट की थी बॉलीवुड की मूवीज़ के अंदर से। मैं आपको एक्सपोज करके दिखाऊंगा कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जहाँ पर शैतानी जो है साइंस वगैरह या कुछ यूज़ किया गया है, जो इल्यूमिनाटी मतलब जो कि सेक्रेट एक तंजीम है यहूदियों की, उससे रिलेट करता है या शैतानियत से रिलेट करता है। तो आज की वीडियो के अंदर मैं आपको बताने जा रहा हूँ राज रिबूट 2016, इमरान हाशमी और कुछ और उसमें मतलब थे एक्टर्स। तो राज रिबूट के अंदर एक जगह पर बाकायदा शैतान के बारे में जो है, वो डेविल जो होती है लड़की के अंदर, वो हर एक चीज़ बताती है। तो वो इस्तेमाल की गई है बॉलीवुड की मूवी राज रिबूट के अंदर जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इस बटन पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद बेल बन जाएगा उसे प्रेस कीजिएगा। तो मेरी वीडियोस को शेयर लाजमी किया कीजिए अगर आपको मेरी मालूमात अच्छी लगती हैं, तो अपने दोस्तों के साथ फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, हर जगह पे शेयर लाजमी कीजिए। तो चलते हैं प्रोसेस की तरफ। ये पहली वीडियो है जिसके ऊपर मुझे बहुत टाइम लगा इसके ऊपर सर्च के अंदर, इसको फाइंड आउट करने में वगैरह वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले मैं आपको वो सीन दिखा देता हूँ ताकि आप जो है ये देख सकें कि ये सीन स्टार्ट होता है 1:25:33, 1:25:33 के ऊपर। ये राज रिबूट मूवी ही मैंने खोली हुई है तो इसका जो सीन है ये यहाँ से शुरू होता है। तो ये इंग्लिश के अंदर ये पादरी है जो कि उसे जो कुछ कहता है वो मैंने स्क्रिप्ट के अंदर से उठा के वो अलग रखा हुआ है, उसके बारे में भी मैं आपको समझाऊंगा। फ़िलहाल आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि यहाँ से जो शुरू होता है यहाँ से ये क्या कहते हैं। ये थोड़ी लेंथी होगी लेकिन गौर से देखिएगा, अगर आप इंग्लिश समझ सकते हैं तो मुझे ज़रूरत नहीं है आपको एक्सप्लेन करने की, बट ये है कि मैं आपको फिर भी जो लोग इंग्लिश नहीं समझ सकते उनको मैं लाजमी जो है समझाऊंगा कि क्या कहा गया है, इस पादरी ने क्या कहा और उस डेविल ने क्या कहा इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो पूरी लाजमी देखनी है। By the church. In the name of our Lord Jesus, evil soul, show yourself. I command you. By the power of Jesus Christ, show yourself, evil one. Tell us, who are you? In the name our Lord, I command you, show yourself. आई थिंक कि आप लोगों ने ये मूवी देखी होगी, ये सीन भी देखा होगा। अगर आपने नहीं देखा तो आप खुद देख सकते हैं। 1:25:33 से ये स्टार्ट होता है क्लिप और इसके अंदर आगे ख़त्म आई थिंक जहाँ तक भी होता है, लेकिन मैं आपको 3 या 5 या मैक्सिमम 6 मिनट का ये क्लिप होगा, ये आप खुद मूवी के अंदर जाके देखिएगा। तो मैं आपको जस्ट इतना बताता हूँ क्योंकि ये बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो और मैं इस क्लिप को ज़्यादा रिकॉर्ड भी नहीं कर सकता, मे भी कोई कॉपीराइट क्लेम भी आ सकता है मेरे अगेंस्ट, तो इसलिए मैं ज़्यादा इसको रिकॉर्ड नहीं कर रहा। तो आप ये क्लिप खुद देख लीजिएगा। अब इसके बारे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये पादरी उसे क्या कहता है, ठीक है, और वो जो इविल है जो आत्मा कहते हैं जिसे या शैतान है उसके अंदर वो क्या कहता है उसके अगेंस्ट। तो मैं पहले इसके बाकायदा एविडेंस के तौर पे मैं आपको दिखाता चलूँ कि मैंने इसकी जो स्क्रिप्ट
लिखता है राइटर जो होता है मूवी का, वो मैंने कहाँ से उठाई है? ये बाकायदा मैंने एक वेबसाइट से उठाई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ से शुरू हो रहा है, इन द नेम ऑफ आवर फादर, तो ये रिवील यूअर सेल्फ, जैसा कि अभी वीडियो में आपने देखा कि वो पादरी कह रहा था, मैंने यहाँ से ही इस स्क्रिप्ट में, ये पूरी फिल्म की स्क्रिप्ट है, यहाँ से मैंने ये उठाया। उठाने के बाद मैंने इसको यहाँ पर कॉपी पेस्ट करके कट आउट किया, कुछ या उसके बाद मैंने इसको यहाँ पर मैं लेकर आया। अब यहाँ पर वो ये कह रहा है पादरी के, जीसस क्राइस्ट के नाम के ऊपर, तुम अपने आप को रिवील करो, दिखाओ, इंकशाफ करो, तुम हो कौन, मुझे बताओ। उसके अलावा नीचे आके हम देखते हैं तो ये सारी बातें वो मतलब जो है क्या होता है, यू बीस्ट, मतलब तुम वैश्य दरिंदे वगैरह वगैरह, तो शो यूअर सेल्फ, यू फॉलोअर ऑफ सैटन, शैतान का जिक्र जो मैं आपको बताना चाहता था इस मूवी में, ये बाकायदा साफ तौर पे इस मूवी में कहा गया है, यू फॉलोअर ऑफ सैटन। ये पादरी उस ईविल को कह रहा है, ठीक है, उस बुरी आत्मा को कह रहा है कि तुम शैतान के फॉलोअर हो। तो वहाँ से नीचे हम चलते हैं तो नीचे क्या गया, शो यूअर सेल्फ टू द गॉड अलमाइटी, शो यूअर सेल्फ इन द नेम ऑफ गॉड। तो यहाँ से ईविल जो है ना, ये जवाब देना शुरू करती है श्रिया। अब श्रिया का मीनिंग मुझे पता नहीं है, तो यहाँ से ये शुरू होता है ब्लडी सीनर से, ब्लडी सीनर से ये शुरू हो रहा है। तो ये वो ईविल जो है बुराई, वो जवाब दे रही है, वो कहती है कि तुम गुनहगार लोग हो, ठीक है, और उसके बाद उस पादरी को बता रही है फकिंग लिटिल बॉय, मतलब उसको गालियाँ दे रही है। उसके बाद उसे कह रही है कि तुम्हें जो है माइलानों से बाहर निकाल दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया था। अब ये हिस्ट्री बता रही है उस पादरी की लाइफ की कि तुम्हें माइलानों से बाहर निकाल दिया गया था, बाहर फेंक दिया गया था। व्हाट इज़ दिस, व्हाट डू यू नो, इट इज़ नॉट मी। अब वो पादरी कह रहा है कि ये मेरा नाम भी नहीं, ये सच भी नहीं है, इट इज़ नॉट ट्रू, वो मैं नहीं था, वगैरह वगैरह वगैरह, फर्नैंडो। तो ये अब जो है वो आगे बता रहा है, मेंशन कर रहा है कि वो फर्नैंडो था या इस तरह का कुछ है, तो नहीं, बल्कि ये ईविल जो है वो बता रही है फर्नैंडो था, तुम चॉय बॉय थे, उसके अलावा तुम्हारे पिंक लिप्स थे, तुम जो उसके अलावा वो कह रही है कि सन ऑफ सैटन इज़ नॉट ट्रू, यू आर अ लायर। अब ये पादरी उसे कह रहा है कि सन ऑफ सैटन जो है ये सच नहीं है, तुम झूठ बोल रही हो, ये वो उसे आत्मा को कह रहा है। तो उसके बाद हम नीचे आते हैं, तो यहाँ से फॉलो पीस विद ऑल हिज मैन एंड होलीनेस, यहाँ से जो शुरू हो रहा है, यहाँ पर वो आत्मा कह रही है होर मैन, एक फाहिशा जैसे होती है जो गंदी औरत होती है, इसी तरह वो कह रही है कि गंदे आदमी, हैव यू नॉट रीड फॉलो पीस विद ऑल हिज मैन एंड होलीनेस विदाउट विच नो मैन शैल सी द लॉर्ड। वो कह रहा है कि तुम गलत हो, जो बुराई है, आत्मा है, वो कह रही है कि तुम गलत हो, तुम जो है फॉलो नहीं कर रहे अमन को, और तुम जो है उसके आदमियों को फॉलो नहीं कर रहे, तो जिसके बगैर तुम खुदा को नहीं देख सकते। और उसके अलावा वो कह रही है कि तुम्हारा कोई खुदा नहीं है, उस क्रिश्चियन को कह रही है जो बुरी आत्मा है। तो ये इसके अंदर जो क्रिश्चियन बताया गया या कोई भी मज़हब बताया गया, तो ये सब कुछ ये इस्लाम के अगेंस्ट ही है, ठीक है, चाहे वो कहती है कि वो क्रिश्चियन के अगेंस्ट है, लेकिन ये सब कुछ इस्लाम के अगेंस्ट है, और सबसे जो स्ट्रिक्ट बिहेवियर है शरीयत का वो इस्लाम की तरफ है, जो कि हमारे मुस्लिम ममालिक के अंदर सब कुछ बर्बाद करके उन्होंने रख दिया है। तो वो दिखाते सिर्फ क्रिश्चियनिटी के अगेंस्ट हैं, लेकिन वो करते इस्लाम के अगेंस्ट हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ख़त्म ही इस्लाम नहीं करना है उनको। तो उसके बाद नीचे वो कह रहा है, यू आर माई ब्रदर, तुम मेरे भाई हो, यू आर विद अस, तुम हमारे साथ हो, विद अस इन आवर किंगडम, तुम हमारे साथ हो गए हमारे किंगडम में, किंगडम जो कि इनका जहन्नम होगा। यू प्रे टू माई फादर, टू लूसीफार, मेरा जो बाप है लूसीफार, लूसीफार यहूदी शैतान को, आप सर्च करके देख सकते हैं, लूसीफार यहूदी शैतान को कहते हैं, ये मैं दोबारा मेंशन कर रहा हूँ। यू आर प्रिवर्स लाइक नो अदर, टेल मी, कम ऑन, कम टू मी यू अनक्लीन स्पिरिट, कम टू आवर किंगडम। वो कहता है कि तुम्हारी जो स्पिरिट है, तुम जो अनक्लीन हो, तुम गलीज हो, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें साफ़ कर दूंगी, ठीक है। द मजिस्ट्री ऑफ लूसीफर अवेट्स यू, इट इज़ इविल पावरफुल स्पिरिट, कांट फाइट। वो कहता है कि जो लूसीफर है वो तुम पे रहम करेगा, और उसके अलावा वो बहुत
पावरफुल है, तुम उससे लड़ नहीं सकते, वगैरह वगैरह वगैरह। तो गाइज ये वीडियो काफ़ी लंबी थी, आई थिंक कि आपको कोई मे बी आपने पूरी भी देखी हो और आपको अच्छी। तो इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए आप मेरे चैनल को मैं एक्सपोज करता रहूँगा, जो जो भी इंफॉर्मेशन मेरे पास है। तो मैं कब से सर्च कर रहा हूँ इन चीज़ों पे, स्टडी भी की है मैंने काफ़ी, 4 से 5 साल मुझे हो गए हैं। तो जो कुछ उस बिहाफ पे है मैं फैक्चुअल आपको बताता हूँ, कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं बताता, और बाकायदा एविडेंस के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।